Hello everyone. Today I will start exponents chapter 5. But before moving ahead, first we will recall rational number, because mainly in this chapter we have to study about the exponents of rational numbers. Here exponents means simply power. Let us recall this. So first I will explain rational number. What is a rational number? So far we studied natural number, whole number, integers and so on. The rational number, and we also studied fractional number. Now we will start rational number. A number in the form of p by q or a by b, say a by b, a number in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0, then we say that a by b is a rational number. एक नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, और जहां a और b क्या है, इंटीजर्स है. इंटीजर क्या होता है, याद रखिए, नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. यहाँ पे a by b के फॉर्म में नंबर होना चाहिए, जहां a और b दोनों आपका इंटीजर होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे b आपका 0 नहीं हो सकता है. b 0 इसलिए नहीं हो सकता है कि b यहाँ डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो नंबर आपका अनडिफाइंड हो जाता है. इसलिए a आपका 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई. और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता है, अगर a बाय b में आपका a और b में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो 1 के अलावा. तो पहले रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देखिए. एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर से 1 बाय 2, 2 बाय 3, 2 बाय 5, 3 बाय 7, माइनस 4 बाय 7, etc. 0, दीज आर द रेशनल नंबर एंड दिस ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ a बाय b. कैसे, देखिए यहाँ पे ये a बाय b के फॉर्म है, जहाँ a आपका 0 है और b 1. अगर डिनोमिनेटर 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है जल्दी. 1 बाय 2, यहाँ a आपका 1 है, 2 b है, यहाँ a 2 है और b आपका 3 है, एंड सो ऑन. और हम लोग देख रहे हैं सबका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या है, इंटीजर है, माइनस 4 बाय 7, ये सब रेशनल नंबर. और सब सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आप किसी के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देख लीजिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं. ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, ऐसे को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं. अब हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ें. और रेशनल नंबर के पहले आप जितना भी नंबर्स पढ़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स. लेकिन सारा का सारा इंटीजर आपका रेशनल नंबर है, उसमें कॉमन क्या है, सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, उसमें कॉमन क्या है, सबका जो बी होगा, सबका जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 होगा. नेचुरल नंबर सारे का न्यूमरेटर कुछ भी हो, दैट इज ए कुछ भी हो, बी यानी डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, 1 होगा. जनरली जब 1 डिनोमिनेटर होता है तो लिखा नहीं जाता, जिसे हम लिखते हैं 5. 5 मीन्स 5 बाय 1, 5 अपॉन 1. 6, 6 मीन्स 6 अपॉन 1. तो जनरली 1 डिनोमिनेटर लिखते नहीं है. इसे जितना भी अभी तक रेशनल नंबर के पास जितना भी नंबर पढ़े थे वो सबका सब रेशनल नंबर है. और चलिए एक्सपोनेंट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल रिकॉल, सपोज कीजिए आपने ऐसा किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. हियर 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 5 टाइम्स. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं जिसमें 2 को बेस बोलते हैं, 2 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स. 5 को एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं. इसमें क्या है कि जो आपका बेस है वो पावर टाइम्स, पावर जितना है उतना टाइम्स वो खुद से मल्टीप्लाई होता है, और ये नोटेशन जो है आपका
वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए या पावर नोटेशन में है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और ये जो है आपका ये पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। मीन्स जब हम नंबर को एक्सपेंडेड, जैसे कोई भी सेम नंबर अगर खुद से बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, मैनी टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है, तब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये जनरल मेथड, और इसको हम लोग इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी तक बहुत सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल पढ़ चुके हैं, जैसे 5 है रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5 इक्वल टू 1/5। उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा, 3/2। तब देखिए जिससे अगर 5 है, जनरली हर एक नंबर का पावर होता है 5 है तो इसका पावर 1 है, और जिस तरह से कोई भी नंबर हो अगर उसका डिनोमिनेटर 1 होता है तो नहीं लिखा जाता है, उसी तरह से अगर पावर 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, तो पावर 1 है। तो इसका जैसे कि रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट की, तो इसको पावर में कैसे नोट करेंगे, आप इसको कर सकते हैं 1/5 इक्वल टू 5 to the power -1। यानी 5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होता है, एक्चुअली पावर उसका जितना भी पावर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगेन अभी तक आप रेसिप्रोकल इस तरह से फाइंड करते थे, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर के अकॉर्डिंग इसको लिखना बताते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5, रेसिप्रोकल ऑफ 5, यहाँ पे पावर 1 है इसका, तो पावर नेगेटिव कर दीजिए, जितना पावर है वही रहेगा लेकिन उसका नेगेटिव हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 5 इक्वल टू 5 raised to the power -1 इक्वल टू 1/5। सेम नोटेशन है, इसकी आगे जरूरत होगी। उसी तरह से अगर आपका रेसिप्रोकल निकालना है 2/3 का, तो जगह 2/3 power -1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। पावर पॉजिटिव अगर आपको करना है तो इसको क्या कीजिए, ये जो आपका है इसको पलट दीजिए 3/2, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 is 3/2। बेस का अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर देते हैं तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यह कुछ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट ध्यान देना है a/b आपका कोई रेशनल नंबर है, जैसा कि बता इस चैप्टर में मेनली हम लोग रेशनल नंबर्स का एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं a/b, और इस पर पावर है आपका m मल्टीप्लाइड बाय a/b इनटू पावर n, जहां आपका a/b रेशनल नंबर है और m एंड n पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रखना है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, m और n दैट इज पावर जो है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर है, और a/b आपका रेशनल नंबर है कोई। यहाँ पे एक चीज देखिए, देख सकते हैं हम लोग कि दोनों ही टर्म का जो बेस है वो सेम है, इसका भी a/b है बेस, इसका भी a/b है, लेकिन पावर क्या है डिफरेंट है। तो इसे किस में क्या होता है, जब बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पहले हम नेचुरल नंबर या होल नंबर लेकर करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 to the power 3 और 2 to the power 4। यहाँ भी क्या देखते हैं कि बेस सेम है लेकिन पावर क्या है अलग है, इसमें क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को जो प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 2 to the power 6। अब ये होता कैसे, इट्स वेरी सिंपल, देखिए 2 raised to the power 3 मतलब क्या होगा, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, 2 raised to the power 4 means 2 multiplied by itself by 4 times, देखिए 3 times 4 times। अब इसको सबको एक साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे कितना पावर है 7। तो याद रखना है बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई है दो, तो पावर को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, ये आगे इवेल्युएशन में काम आएगा हम लोगों के, इसलिए इसको याद रखना है, ये फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए दूसरा देखते हैं, यहां मल्टीप्लाई है, अब यहां पे डिवीजन करके देखते हैं।
इसको डिवाइड करके देखिए, सेम बेस है लेकिन पावर के हाफ का अलग है। अब जब डिवीजन करते हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, एम और एन को कंपेयर करें, दो केस हो सकता है, या तो आपका एम एन से बड़ा हो सकता है या एम आपका एन से छोटा होगा। ध्यान रखना है यहाँ भी एम और एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर एम आपका एन से बड़ा होगा तब क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन जब डिवीजन है तो उल्टा करें, पावर का डिफरेंस निकालें। जैसे यहाँ देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो एक बार लिखेंगे बेस को और पावर को कर दीजिए एम माइनस वन, तो एम माइनस एन होगा अगर एम ग्रेटर देन एन होगा, नहीं अगर एम आपका छोटा है एन से तब आपका यह हो जाएगा केस टू, ये हो गया केस वन, तब होगा केस टू, अगर आपका एम छोटा है एन से दैट इज ये केस है तब आपका ये होता है। इस दोनों में सिमिलरिटी यही है कि यहाँ पे आपका एम माइनस एन, एम बड़ा है और एन छोटा है, तो जो भी मेरा आएगा पावर वो पॉजिटिव आएगा, और एम लेस देन एन में अगर हम ऐसा ही करते हैं उसमें भी ट्रू है एम माइनस एन होगा, लेकिन उस पर जो पावर हो जाएगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उस रेशनल नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है, तो ये भी आपका इसका रेसिप्रोकल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी बाय ए पावर एन माइनस एन। कंफ्यूज नहीं करना है, रेसिप्रोकल निकाले हैं यहां, इसको अब सॉल्व कीजिए वन बाय ए बाय बी को, ये आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं, जैसे टू बाय थ्री पे पावर है आपका टू, इधर आपका टू बाई थ्री पे पावर है थ्री, क्या केस है एम लेस देना है आपका एन का, इसमें क्या करेंगे वन बाय टू बाई थ्री पे पावर थ्री माइनस टू दैट इज एन माइनस एम, एन माइनस एम, तो आपका क्या होगा वन बाय टू बाई थ्री पे पावर हो जाएगा वन दैट इज वन बाय टू बाई थ्री, अब इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, दैट इज इसका अगर रेसिप्रोकल निकाल देंगे हम लोग तो फिर आपका वही एन माइनस एम आपका पॉजिटिव आ जाएगा। या इसमें अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हम आपको कहेंगे दोनों में से वेदर एम ग्रेटर देन एन और एम लेस देन एन कुछ भी हो आप वही कीजिए, ए बाय बी रेस टू द पावर एम माइनस एन आप यही कीजिए, और एम अगर बड़ा होगा एन से तो जो पावर आएगा पॉजिटिव आएगा, और एम अगर एन से छोटा है तो पावर नेगेटिव आएगा, और फिर उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल निकाल देंगे। जैसे चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, एक सेम टू बाय थ्री, थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे फाइव लीजिए टू बाय थ्री रेस टू द पावर थ्री, यहाँ पे आपका एम ग्रेटर देन है फाइव ग्रेटर देन थ्री, तो सिंपली इसमें एस वन अप्लाई होगा और हम लोग एम माइनस एन कर देंगे फाइव माइनस थ्री दैट इज टू बाई थ्री रेस टू पावर टू सिंपली। लेकिन यही क्या होगा अगर आपका एम एन से छोटा हो जाए, एम एन से कम हो जाए, जैसे यहां पे दे देते हैं थ्री और यहां कर देते हैं फाइव, यहां पे आप देख रहे हैं एम माइनस सॉरी एम लेस देन एन दैट इज थ्री लेस देन फाइव, इसमें भी क्या होगा अगर हम लोग वही करते हैं एम माइनस एन ही करते हैं तो देखिए क्या होता है टू बाई थ्री रेस टू थ्री माइनस एम पावर रेस टू थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव टू बाई थ्री, अब थ्री माइनस फाइव क्या होगा माइनस टू, यानी पावर नेगेटिव है, लेकिन इस पावर को हमको अगर सिंप्लीफाई करना है तो पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग रेसिप्रोकल कर चुके हैं, बेस का अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मेरा सलाह है कि आप m ग्रेटर देन n या m लेस देन n हो, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए, अगर डिवीजन का केस है बेस सेम है m माइनस n कीजिए हमेशा, बस अगर m l n से लेस होगा तो बस लास्ट स्टेप में क्या करेंगे पावर मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब m n से छोटा होगा तो तब अगर आप m माइनस n कीजिएगा देखिए
स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर कीजिएगा तो पावर आपका निगेटिव आ जाएगा। लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, स्मॉलर माइनस लार्जर करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आ जाएगा तो आ जाएगा, और लास्ट स्टेप में उसको क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल निकाल देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, अगर a by b raised to power m, इस पे भी पावर हो m, हो सकता है इस पे भी कोई पावर हो, जैसे हम चलिए और एक पावर पहले इसको करते हैं, उसके बाद यहाँ बेस आपका एक है, बेस पे पावर है, फिर उस पे भी पावर है, इसमें क्या होगा, बेस लिख लीजिए और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर टू द पावर जो है रेस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, एक और पावर ऐड करते हैं, ए बाय बी रेस्ट टू पावर एम, रेस्ट टू पावर एम उस पर भी पावर दे दीजिए पी, पी भी आपका कोई एक और इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या कीजिए, नो प्रॉब्लम, जितना भी पावर आएगा सबको मल्टीप्लाई कर, जैसे सपोज कीजिए 2/3 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 5, नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे 2/3 पे सारा पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 2/3 पावर 2 4 जा 8 5 जा 40, जितना भी पावर है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अगर नेगेटिव रहता है तब हम उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ऐसा आएगा तो देखा जाएगा। इसके बाद आपका फिर से रहेगा वही रेसिप्रोकल, अगर मान लीजिए a by b पे पावर अगर आपका माइनस n है, अगर पावर माइनस n है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल b by a, पावर आपका पॉजिटिव हो। इससे भी पहले यहाँ पे एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, इससे भी पहले ये कर सकते हैं, ये अगर आपका डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में अगर चला जाएगा ये बेस तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 5 पे पावर माइनस 2, इस पावर को प्लस करने के लिए 5 डिनोमिनेटर में इसको भेज दीजिए, दैट इज 5 का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तब 1/5 आपका सिमिलर है इसके 5 का स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर आपका सिमिलर है 1/5 के होल स्क्वायर के, 1 पे पावर 1 रहे या कितना भी रहे तो आपका रिजल्ट वही आएगा। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसको याद रखिए अगर पावर निगेटिव हो तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट, इसके बाद और कुछ देखेंगे, किसी भी बेस कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है, बेस कुछ भी रहे और पावर 0 है तो वैल्यू उसका 1 आएगा। इवन यहाँ तो मेरा ए बाई बी नंबर्स है, रेशनल नंबर है, जहाँ ए और बी आपका इंटीजर है, लेकिन इवन अगर बेस मेरा कोई वेरिएबल भी होता है जैसे एक्स, इस पर भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू उसका क्या आएगा, 1, क्योंकि इस केस में भी एक्स आपका कोई ना कोई नंबर होगा, इसका वैल्यू कोई ना कोई नंबर होगा और उस पर पावर 0 होगा तो वैल्यू उसका आएगा 1। तो इसको ये जो 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताया इसको याद रखना है हमेशा सॉल्व करते इसको। अगर अभी तक समझ में नहीं तो फिर से वीडियो को फिर से आप देखिए, फिर से वॉच कीजिए वही चीज, ताकि फिर से हम भी बताएंगे तो फिर वही सारी चीज बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं है तो फिर से देखिए, 2-3 बार वीडियो वॉच कीजिए समझ में आ जाए। नाउ आई विल सॉल्व सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए आई हैव नोटेड सम क्वेश्चन अबाउट, लेट अस सॉल्व। This question belong to exercise 5. 5 का question है, हम जिसका जो number है number भी लिख दिया, चलिए देखते हैं। हम कोशिश करते हैं इस टाइप का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का। आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बिलोंग टू इच टाइप, एकदम चलिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेसिक क्वेश्चन है राइट इन पावर नोटेशन, पावर नोटेशन में लिखना है। देख लीजिए आपका नंबर है -4/3, रेशनल नंबर -4/3। अब ये देखिए सिंपली बेस लिख लीजिए और देखिए कितना बार खुद से मल्टीप्लाई है, 1, 2, 3, 4, 5 पावर 5 डी, दैट्स ऑल, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वन का कन्वर्जन, उल्टा क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिंग पावर नोटेशन। पहले क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर, उसको पावर नोटेशन में लिखना था, और अब ये पावर नोटेशन में इसको लिखना है। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में था उसको भी लिखना था पावर नोटेशन में, इसको भी पावर नोटेशन में लिखना है। तो पहले हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा ए का और बी का। तो 32 का निकालिए प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं हो, उससे दो फैक्टर होता है, वन और इटसेल्फ, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। यहाँ पर 2 का निकालिए, 32 का 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा, 5 टाइम्स आया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, और 243 का निकालिए, 243 आपका होगा 7, पावर 5, और ये 2 पे पावर 5 आया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपका, यहाँ पे माइनस है, तो पहले इसका पॉजिटिव फैक्टर जो है, इसका जो प्राइम फैक्टर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए पहले पॉजिटिव पावर के साथ, ये 2, 3, 4, 5 फाइव टाइम्स आएगा, 2 raised to the power 5 होता है माइनस 32। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, और सब के साथ माइनस एसोसिएट कर दीजिए। यहाँ पे है 3 into 3 into 3 into 3 into 3, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद पावर माइनस 2/3। देखिए यहाँ भी आपका 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी आपका 5। एक चीज़ और आपको बताएंगे आगे, जब मेरा बेस नेगेटिव होता है और पावर अगर ऑड है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, और पावर अगर इवन आएगा तो आपका उसका जो प्रोडक्ट आता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मेरा बेस नेगेटिव था ऑलरेडी, तो निश्चित था कि इसका जो पावर होना चाहिए वो ऑड ही होना चाहिए। इसमें अगर बेस आपका नेगेटिव है तो पावर इसका निश्चित है ऑड आएगा, अगर पॉजिटिव है तो इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेस अगर आपका नेगेटिव है तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में पावर हमेशा आपका ऑड आएगा, दैट इज 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। चलिए नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपका -13/11। अब ये आपका कन्वर्स है क्वेश्चन 2 का या क्वेश्चन 1 का, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, मीन्स पावर नोटेशन से इसको हटाना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए -3/11 होल स्क्वायर है, तो -3 पे -3 स्क्वायर हो जाएगा, 13 स्क्वायर हो जाएगा, 11 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अगर इसको हम 3 बोल दिए तो 13 आई है। तो देखिए -13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और बेस नेगेटिव है, पावर अगर ऑड है तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, से -13 into -13, -into- आपका प्लस हो गया, और 13 into 13 169। ऐसे भी अगर पावर आपका इवन है तो बेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है, 11 स्क्वायर हो जाएगा आपका 120। ऐसा ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया, जहां ए 169 और बी आपका 121 है। नेक्स्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है। सिंपली देखें यहाँ पे क्या है, मेरा जो पावर है नेगेटिव है, तो सबसे पहले ध्यान दें पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए याद कीजिए क्या रूल बताएं, बेस का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ आपका -2/3 है, रेसिप्रोकल हो गया इसका 3/-2, पावर आपका पॉजिटिव हो 1 हो। यहाँ पे एक चीज़ और मॉडिफाई करना है, आपका डिनोमिनेटर यहाँ नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको सिंपली ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर, और पावर 1 है, देने की जरूरत नहीं है, पावर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे समझिए कैसे होता है, बेस मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस को पॉजिटिव करने के लिए रूल है, किसी भी फ्रैक्शन में रेशनल नंबर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं,
तो आपका जो रेशनल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वही रहता है। यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका देखिए माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री आ गया माइनस थ्री, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस टू आ गया प्लस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया वन इंटू टू। तो सिंपली एक ट्रिक याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो सिंपली डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस है, नेगेटिव है, तो सिंपली माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सिर्फ नेगेटिव है, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, तो क्या कीजिए, डिनोमिनेटर का नेगेटिव सिंपली ट्रांसफर कर दीजिए न्यूमरेटर को। लेकिन मन में ये रहना चाहिए, रूल यही है करना, ये आपका रेशनल नंबर में चेंज हो गया, जहां ए आपका माइनस थ्री और बी आपका टू है। नेक्स्ट भी आपका सेम क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव बाय सिक्स इलेवन, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालना रूल याद कीजिए क्या है, अगर ए बाय बी पे पावर एन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी बाय ए पे पावर एन, या वन बाय ए बाय बी पे पावर एन। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बी बाय ए पे पावर एन, बी बाय ए रेज टू द पावर एन। सिंपली यहां पे क्या करेंगे, बेस को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, पावर इसका जो है रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए माइनस जहां था वही रहने दीजिए, इससे प्रिसाइज मेथड कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको माइनस जो है इसका ट्रांसफर कर दीजिए, दैट्स ऑल। अगर रेसिप्रोकल निकालना हो तो सिंपली, और अगर लेंथी अगर स्टेप वाइज बनाना चाहते हैं तो चलिए स्टेप वाइज बनाते हैं, वन बाय माइनस फाइव ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ऑफ दिस इतना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 11 इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जब भी डिनोमिनेटर पर नेगेटिव आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर। नेक्स्ट है आपका माइनस फोर क्यू, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो बेस का सिंपली निकालिए, रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे क्या किए माइनस को ट्रांसफर कर दिए न्यूमरेट को न्यूमरेटर में। नाउ आई विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फाइव ए इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई ट्राई टू फिनिश एक्सपोनेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स वेरी सिंपल, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व टुडे, एंड नेक्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।